हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर, और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए कॉन्सेप्ट और वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ की कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये हमारा हो चुका है, एक सेकेंड, ये हमारा हो चुका है। इसके बाद हमने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी किया है, इसके बाद हमने स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन भी किया था, ठीक है ना। तो अब जो हमारा मल्टीनेशनल कंपनीज भी हम लोग कर चुके हैं, आज जो हमारा चलने वाला है वो है जॉइंट वेंचर, राइट। तो जॉइंट वेंचर आज हम करने वाले हैं, एक सेकंड में उसकी स्लाइड ही लगा देता हूँ। तो जॉइंट वेंचर क्या है आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम जॉइंट वेंचर के साथ साथ दो चीज़ें करेंगे, एक तो जॉइंट वेंचर और एक ट्रिपल पी का कॉन्सेप्ट अपने को आज समझना है। तो समझेंगे आराम से, ठीक है। बाकी अगर आपको कहीं पर भी कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो यू कैन राइट मी ऑन द कमेंट बॉक्स, राइट। और आपको अगर ग्रुप डिस्कशन करना है तो उसके लिए टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हुए हैं, और उनका जो लिंक है दैट इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं, और जो कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है या ग्रुप डिस्कशन करना है या आपको किसी भी टॉपिक पर अलग अलग राय जाननी है, तो वहाँ पर वो आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हो साबित हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर सभी जेन्युइन जो लोग हैं केवल वही वहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो पर्सनली मेरे ही द्वारा जो है मोनिटराइज किया जा रहा है, मेरे ही द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। बाकी अगर आपको कहीं भी लगता है, जैसे अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो अगर आपको कहीं लगता है कि भाई हमें ये टॉपिक छूट गया है या सर ये वाला टॉपिक भी इंक्लूड होना चाहिए था, तो वो भी आप मेरे को कमेंट। देखिए कुल मिलाकर के फुल फ्लैग प्रिपरेशन करनी है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। जैसे रिसेंट में अभी KVS का रिजल्ट आया है ना, तो पता था सेलेक्टेड सीटें हैं, है ना। अब उन सेलेक्टेड सीटों में क्या होना था, उन सेलेक्टेड सीटों में सेलेक्टेड बच्चे ही जाने थे, है ना। तो अब अपने को, आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि भाई हमें प्रिपरेशन कहाँ पर करनी है और कितनी ज़्यादा करनी है, है ना, हम कितने डेप्थ में और कितने नहीं है। अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम आएगा वो UP TGT PGT का है, राइट। और DSSSB की भी अनाउंसमेंट सुनने के लिए आ रही है, GIC का भी आपको देखने को मिल सकता है, LT ग्रेड आपको देखने का मिल सकता है। बाकी रीट में राजस्थान हो गया या बिहार में जो है वहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो काफ़ी। और इसके अलावा MP में आपका वर्ग वन का जो मेन एग्ज़ाम्स है वो भी आ जाएगा एक डेढ़, लगभग डेढ़ दो महीने में। तो एग्ज़ाम्स कम नहीं है, एग्ज़ाम्स बहुत सारे हैं। बस अपने को चिंता ये करनी है कि उस एग्ज़ाम में अगर एक सीट भी है, क्या मैं उसको ले पा रहा हूँ। देखिए हर व्यक्ति, हर बच्चा डिफरेंट है ना। यहाँ हम पैडागॉजी में भी पढ़ते हैं कि हर बच्चे का अपना एक विशेषता है और उसकी अपनी एक कमज़ोरी है। आप अपनी कमज़ोरी को अपनी विशेषता कैसे बनाते हैं, आप अपने डिमेरिट को अपनी मैरिट कैसे बनाते हैं। जैसे बिजनेस है, बिजनेस में क्या रूल अप्लाई होता है, बिजनेस स्वाट पर काम करता है ना। तो थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी, और थ्रेट्स आता है ना OT का मतलब, तो थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी में जो कन्वर्ट कर दे बिजनेस, वही कौन, वही लीड करता है, ऐसे ही तो है। तो ऐसे ही अगर आप अपनी वीकनेसेस को, अपनी कोई भी आपकी लग रहा है कि भाई ये टॉपिक नहीं आता है हम पे या इस पर मैं ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाता हूँ, तो आप सबसे ज़्यादा टाइम उसी को दो। देखो मैं ये, मेरा ये मानना है कि आप चाहे 6 महीने एक्स्ट्रा दो, राइट, अपने आप को, बट आप अपना कॉन्सेप्ट ऐसा कर लो कि जब आप कहो कि भाई 1 साल बाद मुझे ये सीट लेनी है, तो 1 साल के अंदर अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग फिट माइंड में बिल्कुल ऐसे फिट हो जाने चाहिए कि आपकी सीट पक्की हो जाए। डजेंट मैटर फिर कि आपकी जो मैरिट है वो कितने पर रहती है ना, उससे मतलब नहीं है। आपको इतना पता है कि मेरी सीट पक्की हो जाएगी, वो चाहे 100 पर कुछ कितने पर भी रही हो, आप समझ रहे हो, हाईएस्ट से हाईएस्ट वो कितनी भी ले जाए मेरा उसमें नंबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको अपना मैक्सिमम आउटपुट देना पड़ेगा, और उसी के लिए ये जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं वो रन कराई जा रही हैं, है ना। सॉरी, उसी के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लासेस जो है रन कराई जा रही हैं, और इन्हें मैं खुद से ही अपने आप से जो है, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी हेल्प से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि एक एक चीज़ मुझे पता रहे कि भाई मैंने क्या कराया है, क्या पढ़ा रहा हूँ, है ना। बच्चे कोई क्वेरी करेंगे तो उसको आंसर तो कुल मिल, और कहीं कोई टॉपिक तो नहीं छूट रहा, मतलब कई कई टॉपिक तो ऐसे भी हैं जहां पर आपने बहुत सारी चीज़ों को नहीं भी पढ़ा होगा, नहीं भी जाना होगा, लेकिन वो मैंने इंक्लूड
किया है ना, जैसे कंपनी में हम लोगों ने पढ़ा था, तो कंपनी में हम मैंने एक पॉइंट टू पॉइंट, डेप्थ टू डेप्थ, एक एक चीज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जब हमने इशू ऑफ शेयर्स वगैरह पढ़े थे, उससे पहले जो थ्योरेटिकल क्लासेस चली थी उसमें पॉइंट टू पॉइंट, एक एक एक्ट, एक एक सेक्शन, मीटिंग, मिनट्स, हर एक चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि भाई कहीं से कोई क्वेश्चन अगर बनता है एडवांस लेवल पर भी तो आपका वो क्वेश्चन छूटे नहीं, आप उसको अटेम्प्ट कर लो, है ना। तो ये वाली एक बात है। तो मेरा प्रयास 100% है आपकी सक्सेस के लिए, और मेरी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं भी आपके प्रति पूरी हैं, है ना, कि डेफिनेटली आप लोग अपनी सीट में सक्सेस हो जाएं, है ना। मेरा केवल एक यही मोटिव है, ठीक है। बाकी चलिए शुरू करते हैं अपना आज का जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर है ना, जब दो फर्म आपस में मिलकर के काम करती हैं उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं, है ना। क्या, दोबारा बोलो, जब दो फर्म आपस में मिलकर के काम करती हैं उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जॉइंट वेंचर बोलते हैं। देखिए, समझते हैं, एक सेकंड दीजिए ज़रा एक सेकंड देना बेटा। ठीक है, चलिए, चलिए तो समझते हैं कि ये क्या होता है। जॉइंट वेंचर क्या है? एक तरह का बिजनेस एग्रीमेंट है। क्या है बेटा ये? एक तरह का बिजनेस एग्रीमेंट है जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टी एग्री करती हैं अपनी रिसोर्सेज को, है ना, अपनी रिसोर्सेज को पूल, पूल का मतलब क्या होता है? एक साथ बांटने के लिए, या एक साथ उनका उपयोग करने के लिए, किस पर्पज से? किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो किसी भी मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किसी भी एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए, जब दो या दो से अधिक पार्टियां अपने संसाधनों को एक साथ इस्तेमाल करने के लिए सहमत होती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे जॉइंट वेंचर कहा जाता है। इज दिस क्लियर? बहुत सिंपल डेफिनेशन है। दो या दो से ज़्यादा फर्म होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, और किसी एक मुख्य उद्देश्य के लिए उन्हें काम करना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, तो ठीक है ना, तो यहाँ से क्या बनता है? यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है जॉइंट वेंचर की फीचर्स जो है, आपको कोई एक केस स्टडी दे दी जाती है, वहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है, बताइए कि ये इनमें से ये जॉइंट वेंचर है या नहीं है, या मर्जर है, एक्विजिशन है, क्या है। तो मर्जर एक्विजिशन भी हम पीछे डिफाइन कर चुके हैं, है ना, जॉइंट वेंचर आज हम कर ही रहे हैं, और ट्रिपल पी पार्टनर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, देखिए अब यही वाली बात है कि मैंने आपको मर्जर एंड एक्विजिशन कराया, है ना, मैंने आपको फिर अब जॉइंट वेंचर में आपको करा रहा हूँ, पार्टनरशिप मैंने आपको कराया, भाई पार्टनरशिप भी तो जॉइंट वेंचर की तरह ही होती है, दो या दो से लोग ज़्यादा लोग साथ में आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन आ गया कि साहब आपको केस स्टडी दे दी और आपको एनालाइज करना कि बताइए पार्टनरशिप है, मर्जर है, एक्विजिशन है, या जॉइंट वेंचर है। अब अगर आपको पता होगा कि भाई पार्टनरशिप में क्या होता है, मर्जर में क्या होता है, एक्विजिशन में क्या होता है, जॉइंट वेंचर में क्या होता है, तो आपके लिए उसको आइडेंटिफाई करना क्या हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने खाली इसको ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ है कि हाँ भाई जॉइंट वेंचर ये होता है, ये पार्टनरशिप ये होता है, मर्जर एंड एक्विजिशन ये होता है, तो काम, तो आप क्वेश्चन को कम्पीट नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे हो? आप जो पढ़ रहे हो उसमें एडवांस लेवल पर आपको जाना है। दिस इज द ओनली रीज़न कि मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ भाई अपनी आप नोट्स प्रिपेयर करो, क्योंकि अगर आप अपनी आप नोट्स प्रिपेयर करोगे तो आपको पता होगा कि यार मैं ये लिख रहा हूँ, अगर इसमें ये हो गया तो क्या होगा। क्योंकि ये चीज़ ना मेरे साथ है कि जब मैं कोई भी नोट्स प्रिपेयर कर रहा होता हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ, तो मेरे माइंड में अचानक से एक ब्लिंक आता है, अच्छा ऐसे है तो उसमें क्या होता होगा। जैसे अभी मैंने आपसे कहा जॉइंट वेंचर है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, केस स्टडी आ गई, जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, तो मैंने क्या करा, मैं गूगल पे गया तुरंत, मैंने सर्च मारा डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड द जॉइंट वेंचर, तो पता चल गया मेरे को जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या अंतर होता है ना। पार्टनरशिप जो होती है वो दो लोगों के बीच में होती है,
और जो जॉइंट वेंचर होता है वो इंस्टीट्यूशंस के बीच में होता है, फर्म्स के बीच में होता है, और भी बहुत। देखिए गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक क्या कह सकते हैं कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसका समंदर है। आप वहाँ पर जाइए, कुछ भी सर्च कीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। वो कहते हैं ना कि गूगल को सर्च करने का अपना एक तरीका है ना, जिसको गूगल को सर्च करना आता है ना, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं, है ना। तो गूगल को सर्च उल्टी बेकार की चीज़ों के लिए नहीं करना है, कि हमें अपने फायदे के लिए करना है उसका यूज़, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बात करते हैं तो जॉइंट वेंचर में क्या होता है, जॉइंट वेंचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट लॉसेस कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। भाई सीधी सीधी सी बात है, दो फर्म आपस में मिलकर के काम कर रही है, ये फर्म ए है और ये फर्म क्या है, ये फर्म बी है ना, ये फर्म ए है ये फर्म बी है, ये दोनों आपस में मिली और इन्होंने एक जॉइंट वेंचर क्रिएट करा कि भाई हम साथ में मिल के काम करेंगे। तो कुछ रिसोर्सेज इनकी हैं, कुछ रिसोर्सेज इनकी हैं, और इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। अब यहाँ पर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस और जो कॉस्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इन दोनों के बीच ही किया जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? तो ये जॉइंट वेंचर कहलाता है। अब जो मैं आपको अगली स्लाइड दे रहा हूँ वहाँ पर आपको ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जॉइंट वेंचर क्या होता है। इसमें एक चीज़ और है कि दे आर अ पार्टनरशिप इन अ कॉलिक्वल सेंस ऑफ द वर्ड बट कैन टेक एनी लीगल स्ट्रक्चर। ठीक है, आप इसको पार्टनरशिप के रूप, देखिए ये पार्टनरशिप के रूप में आप कह सकते हो कि जॉइंट वेंचर के एक पार्टनरशिप का एक रूप है जिसमें दो या दो से ज़्यादा फर्म साथ में आती हैं, लेकिन आप इसको पार्टनरशिप नहीं कह सकते, है ना। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप जो होती है वो लोगों के बीच में होती है, और जो जॉइंट वेंचर होता है वो फर्म्स के बीच में होता है। एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा क्या कि जो पार्टनरशिप होती है उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है, लेकिन जो जॉइंट वेंचर होता है उसका अपना एक लीगल स्टेटस होता है। तीसरी बात क्या है कि जो जॉइंट वेंचर होता है उसके उसमें दो या दो से ज़्यादा फर्मों के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो जॉइंट वेंचर किया जाता है वो एक तरह से मार्केट में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे दो एक बहुत बड़ी फर्म एक छोटी फर्म के साथ आकर के मिल गई, है ना, या किसी दो फर्म आपस में काम कर रही हैं और उन्हें लग रहा है कि कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, तो वो दोनों आपस में आकर के मिल गई। उन्होंने कहा कि अब हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो गई, बड़ी हो गई, वाइड हो गई, बिग हो गई, तो अब क्या है जो आने वाली पार्टी, आने वाला कॉम्पिटिशन है वो हमें कम्पीट नहीं कर पाएगा। अगर अलग अलग होते तो शायद संभावना है कि हमें कम्पीट कर दिया जाता, इसलिए भी जो है जॉइंट वेंचर किया जाता है। देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, जॉइंट वेंचर क्या है, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है ना। इसमें क्या होता है, आप अपनी रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज, मतलब स्टाफ, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज को क्या करते हो, क्या करते हो, उनको कंबाइन कर देते हो। ये क्या होता है, कैन बी इनफॉर्मल हैंडशेक, है ना, कैन बी इनफॉर्मल, ये इनफॉर्मल भी हो सकता है। सेव मनी ऑन एडवर्टाइजिंग, है ना, सेव मनी ऑन एडवर्टाइजिंग। अब देखो जैसे एक फर्म ए अपनी एडवर्टाइजिंग कर रही है ना, तो उसने क्या करा, उसने जॉइंट वेंचर की भी एडवर्टाइजिंग कर दी। अब फर्म बी क्या कर रही है, फर्म बी भी अपनी एड उसमें भी, तो इसकी जो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। अब जब उसकी रिड्यूस हो गई तो पैसा बच गया, है ना, ये वाली एक बात है। इसके बाद अगर हम बात करें, आदर क्रिएट्स अ सेपरेट एंटिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड लाइबिलिटी और पार्टनरशिप और ऑपरेट्स जॉइंटली अ सेपरेट एंटिटी। या तो ये अलग से कोई एंटिटी क्रिएट कर लेते हैं या सेपरेटली ये क्या मतलब जॉइंटली क्या कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, है ना। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये एक चीज़ है। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। क्या, एक तो ग्रेटर रिसोर्सेज और कैपेसिटी अवेलेबल हो जाती है ना, ज़्यादा संसाधन मिल जाते हैं, ज़्यादा अच्छे लोग मिल जाते हैं, एक दूसरे की टेक्नोलॉजीज शेयर हो जाती हैं, है ना, तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाती है, नया मार्केट मिल जाता है कंपनी को, प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इकोनॉमिकल हो जाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस हो गई है ना। दूसरा क्या है, गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा इनोवेटिव होती हैं क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी कैसी होती है, एडवांस होती है। तो ये क्या है, ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, है ना, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। अब मुझे एक बात ये बताना कि ये चार टाइप्स मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं, प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर, फंक्शनल जॉइंट वेंचर, वर्टिकल जॉइंट वेंचर और हॉरिजॉन्टल जॉइंट वेंचर। ये चार मैंने डिस्कस किए हैं।
कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये चारों के चारों पढ़ रखे हैं, और ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना? बताओ मुझे ज़रा, बताइए ज़रा मुझे, बताना है ना? तो प्रोजेक्ट क्या है, राम जी पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पस, उनका पर्पस क्या, पर्पस डिफाइंड है, पर्पस क्या है डिफाइंड, मतलब सिंगल प्रोजेक्ट के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म होगा वैसे ही उनका जो वेंचर, उनका जो एग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इज दिस क्लियर? राइट। फंक्शनल जॉइंट वेंचर, फंक्शनल मतलब जब वो आपस में एक दूसरे की फंक्शनिंग के साथ आते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब कोई दो ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जब दो कंपनियां एक साथ आती हैं, एक दूसरे के जो एक्सपर्टीज है ना, एक दूसरे की जो एक्सपर्टीज है उनको आपस में शेयर करने के लिए, जैसे मान के चलिए कि मेरी एक फर्म है, है ना, मेरी एक फर्म है और यहाँ पर एक दूसरी फर्म है, ये एआई की फर्म है और मेरी ऑटोमोबाइल की फर्म है, जिनके लिए मैं इंजन वगैरह ये सब बनाता हूँ। हम लोगों ने मिलकर के एक वेंचर स्टार्ट करा कि हम एक ऐसी कार बिल्ड करेंगे जो ऑटोमेटेड होगी। कैसी होगी? ऑटोमेटेड होगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा अपनी आप। वो अगर उसको टर्न होना है तो वो अपनी आप टर्न होगी, अगर कोई सामने से व्यक्ति आ रहा है ना, एक एडवांस हाईटेक टेक्नोलॉजी बेस्ड कार, जो आजकल होती भी है, वैसे ही आजकल होती है, बट मैं केवल एक एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ। तो वो क्या कर रहा है, ये अपनी एक्सपर्टीज़ के इसके साथ शेयर हो रही है और इनकी एक्सपर्टीज़ इनके साथ शेयर हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे एक ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट कर रहे हैं ये लोग जिससे एक ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड हो सके जो मार्केट में अपनी जगह भी बना सके, लोगों की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कर सके और कहीं ना कहीं ये दोनों फॉर्म्स अपना रेवेन्यू भी जनरेट कर सके। तो ये होता है फंक्शनल, है ना। एक होता है वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, अच्छा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इसमें आप जब पढ़ोगे ना तो ज़्यादा आपको सिमिलैरिटीज़ नहीं मिलेगी, दोनों को ही मैं कंपाइल कर रहा हूँ एक साथ। क्या है समझिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जॉइंट वेंचर जो होते हैं उसमें सेम इंडस्ट्री की दो फर्म साथ में आती हैं, उसमें सेम इंडस्ट्री की दो फर्म साथ में आती हैं और अंतर केवल इतना है। अच्छा आती क्यों है, उसका कारण है कॉम्पिटिशन को रिड्यूस करने के लिए, पहली चीज़, मोनोपोली को क्रिएट करने के लिए। भाई फर्म मार्केट में तीन चार फर्में काम कर रही हैं, तीनों चारों फर्म एक साथ काम आ गई, हो गई मार्केट के अंदर उनकी मोनोपोली। एग्री विद दिस? अब इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, देखिए वर्टिकल जॉइंट वेंचर जो होता है उसमें लेवल्स अलग अलग होते हैं, एक बड़ी कंपनी होती है एक छोटी कंपनी हो सकती है ना, एक का रेवेन्यू ज़्यादा हो सकता है एक का रेवेन्यू कम हो सकता है। जैसे मान के चलो कोई एक बड़ी कंपनी है ना, जैसे रिलायंस पेट्रोलियम है या जैसे टाटा, जैसे जियो है ना, जियो ने देखा कि बहुत सारे छोटे 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 ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं बन रहे हैं धीरे धीरे और मेरी जो मार्केटिंग है वो कम हो रही है, तो उन्होंने क्या करा, जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं या जो भी छोटे छोटे प्लेयर्स हैं उन्होंने छोटे छोटे प्लेयर्स को कंबाइंड कर लिया कि भाई तुम मेरे साथ आ जाओ और फिर हम मार्केट को क्या करेंगे, मार्केट पर रूल करेंगे। अब उससे क्या होगा, जब लोकल छोटे छोटे जो सप्लायर हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं जब वो कनेक्ट हो जाएंगे तो उनका लोकेलिटी पर ज़्यादा एक क्या बोलते हैं वट समझते हो ना, कि उनका लोकेलिटी में एक ज़्यादा अच्छा रिस्पांस जाएगा, समझ रहे हो, तो वो ज़्यादा कस्टमर को एक्वायर कर पाएंगे। समझ में आ रही है वाली बात? तो मोनोपोली क्रिएट करने तो लेवल अलग हो गया ना, कहाँ जियो और कहाँ लोकल सप्लायर प्रोड्यूसर, है ना। अब हॉरिजॉन्टल में ऐसा नहीं है, हॉरिजॉन्टल में दो कॉम्पिटिटर्स भी साथ में आ सकते हैं। मोटिव वही है कि भाई मैंने लोकल वाले से डील ना करके मैंने अमेजोन नेटफ्लिक्स और ये और वो जितने भी हैं सबके साथ मिल करके मैंने एक वेंचर स्टार्ट कर दिया और एक नई कंपनी स्टार्ट कर दी, या मिल करके हम एक ही कंपनी चला रहे हैं कि भाई एक ही नाम से जानी जाएंगी ये। तो अब जब इतने बड़े बड़े लोग इतनी बड़ी बड़ी फॉर्म्स एक साथ मिल करके आएंगी, ये छोटा व्यक्ति हिम्मत कर पाएगा कि वो उस मार्केट में घुस जाए? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ये होता है जॉइंट वेंचर,
ये चार टाइप के जॉइंट वेंचर है, ध्यान में रखना है ना। प्रयास किया है, अच्छे से समझ में है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, वहाँ पर आप ग्रुप में भेज सकते हो, मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, वरना आप कमेंट भी कर सकते हो। वरना वीडियो के लास्ट में मैं आपको मेल एड्रेस भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जहाँ पर आप मुझे लिख करके भेज सकते हो, ठीक है ना। ये वाली एक चीज़ है, क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिपल पी की। ट्रिपल पी का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल सेक्टर, मिलकर के काम करते हैं किसी एक स्पेसिफिक मोटिव के लिए, उसको कहा जाता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इसके भी टाइप्स होते हैं। आई एम डैम श्योर कि इसके जो टाइप्स हैं वो आपने डेफिनेटली नहीं ही पढ़े होंगे, वरना तो देख लेना। अच्छा, अगर आपने पढ़े हैं तो तुरंत वीडियो पॉज करो और फटाफट से वो चार टाइप्स ऑफ जो हैं, पांच छह जितने भी टाइप्स आपने पढ़े हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, उनको कमेंट करके लिख करके बताओ। चलिए, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जहाँ पर लार्ज स्केल पर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, किस कोई भी जैसे रोड, ब्रिज, हॉस्पिटल, इन सबको क्या करने के लिए? बनाने के लिए, है ना, बिल्ड करने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें दिस पार्टनरशिप वर्क वेल व्हेन प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कंबाइन विद द पब्लिक सेक्टर इंसेंटिव्स टू कंप्लीट वर्क ऑन टाइम एंड विद बजट। भाई प्राइवेट ने, सरकार कुछ काम करना चाहती है, माने सरकार ने एक एक्सप्रेस वे बनाया, सरकार चाहती है एक एक्सप्रेस वे बने। अब सरकार ने कहा कि भाई मेरे पास इतना इनोवेशन तो है नहीं, मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक फर्म से मिले, है ना, वो एक फर्म से मिले, मान के चलिए जैसे जेपी, ठीक है, जेपी ग्रुप, तो ये इनसे मिले, है ना। सरकार किससे मिली? जेपी से मिली, और उन्होंने कहा कि भाई ये इतने किलोमीटर का यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ तक का जो है ब्रिज बनेगा या फ्लाईओवर या एक्सप्रेस वे बनेगा, तो हम चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप करें। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब। तो उसके बाद क्या करा, गवर्नमेंट ने कुछ पैसा लगाया, जेपी ने अपनी टेक्नोलॉजीज और एक्सपर्टीज वो सारी चीज़ें लगाई, तो जो एक्सप्रेस वे है ये फटाफट से बन करके तैयार हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने, अब जेपी ने कहा कि साहब मुझे क्या फ़ायदा हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो भी कॉस्ट आई है प्लस आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है वो आप क्या है, टोल प्लाजा बना करके ले सकते हो, और जैसे ही आपकी जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी, है ना, तो जो जेपी है उसकी ओनरशिप किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। ये केवल एक टाइप है, है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि ओनरशिप किसके पास रहे? गवर्नमेंट के पास रहे। ओनरशिप किसके पास रहे? गवर्नमेंट के पास रहे शुरू से लास्ट तक, और जैसे ही इनके पास से क्या निकल जाए, टोल निकल जाए, टोल टैक्स निकल जाए, गवर्नमेंट टोल टैक्स कलेक्ट कर ले, तो गवर्नमेंट अपने पास से इनको पेमेंट कर दे। बात समझ में आ रही है? तो कैसे भी कर लो, बात तो वही पढ़नी है, है ना। तो ये वाली एक कहानी होती है, ठीक है, इसी को कहा जाता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। अब आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर और क्लियर होंगी चीज़ें। डिस्पाइट देयर एडवांटेज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप आर ऑफ्टन क्रिटिसाइज्ड। बिल्कुल सही बात है भाई, इनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। कई बार तो हम ऐसा भी कह देते हैं कि सरकार ने सब कुछ बेच दिया, है ना। आजकल जो रोड्स हैं, डैम्स हैं, ब्रिजेज हैं, वो भी रेलवे लाइन्स हैं, वो भी जो है प्राइवेट लोगों के हाथ, प्राइवेट हाथों से बनवाई जा रही हैं, तो बिक गई हैं। फॉर ब्लरिंग द लाइन्स बिटवीन लेगिटिमेट पब्लिक पर्पजेज एंड प्राइवेट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी एंड फॉर परसीव्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पब्लिक ड्यू टू सेल्फ डीलिंग एंड रेंट सीकिंग एट मैनी ऑक्योर। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि जो टोल टैक्स है उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, है ना। आलोचना क्यों की जाती है? क्योंकि सब कई बार ऐसा माना जाता है कि इनके माध्यम से सरकार या जो प्राइवेट फर्म है वो आम नागरिकों का शोषण कर रही हैं, है ना, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। भाई देखो, बहुत सीधी सीधी सी बात है, जैसे आप प्राइवेट बस में गए, है ना, आप इसको समझ करके चलिए, कनेक्ट करते हुए, आप प्राइवेट बस में गए किसी, और इसका जो किराया है माने एक किलोमीटर का 0.80 रुपये है, कितना है 80 पैसे पर किलोमीटर है, कितना है 80 पैसे पर किलोमीटर, लेकिन ये नॉन एसी बस है। अब आपको गर्मी लग रही है और आपको जाना है एसी बस में, तो क्या मुझे एक बात बताओ कि इस एसी बस के लिए
आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मान के चलिए इसका 2 रुपये 50 पैसे पर किलोमीटर का चार्ज, तो क्या आप एक्स्ट्रा पे करोगे कि नहीं करोगे? जैसे आपने क्या करा, आपने पिज्जा मंगाया और आपने कहा इस पर चीज की जो है एक्स्ट्रा टॉपिंग कर दो, इस पर एक्स्ट्रा टॉपिंग कर दो चीज, और तो क्या वो उसका एडिशनल चार्ज लेगा कि नहीं लेगा? तो अगर आपको फैसिलिटीज मिल रही है, माने अगर हमें फैसिलिटीज चाहिए तो हमें उसको पे भी करना पड़ेगा, यस और नो? तो ये वाली एक बात है ना। चलिए, तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में क्या होता है, बेसिकली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो फंडिंग है, वो आपस में क्या होती हैं, शेयर होती हैं, जिससे जो काम है वो तय समय से पहले और जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक प्राइवेट पब्लिक, और आज की डेट में ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट्स और प्रोजेक्ट्स चलते हैं वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बेसिस पर ही चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्लियर है ये वाली बात? तो जब हम इनकी बात करते हैं तो ये चार तरह के हैं। एक तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर, बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हैंड ओवर कर देती है सारा का सारा कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन किसको, प्राइवेट पार्टी को, कि भाई सारा का सारा कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन अब आप देखो कितने एक नंबर ऑफ ईयर्स के लिए है ना, और जैसे ही वो नंबर ऑफ ईयर खत्म होगा तो उसकी जो ऑनरशिप है वो किसको ट्रांसफर कर दी जाएगी, गवर्नमेंट को। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बनाओ ऑपरेट करो फिर उसके बाद हमें ट्रांसफर कर दो। इसके बाद आता है बिल्ड ऑपरेट ऑन, बिल्ड ऑपरेट ऑन, ये बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सारा का सारा जो ट्रांसफर है, जैसे प्राइवेट एंटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू एवर ट्रांसफर द प्रोजेक्ट टू द गवर्नमेंट, इसमें वो क्या करती है, ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं, कि भाई आप बनाओ आप ही ऑपरेट करो और आप ही क्या करो, इसको संभाले रखो। अगर कहीं पर कोई करेक्शन करना होगा, आपको एक्सप्रेसवे बढ़ाना होगा, 3 लेन का 4 लेन का 6 लेन करना होगा, 8 लेन करना होगा, या कहीं और से इसको एक्सप्रेसवे को निकालना होगा, उसकी मरम्मत करानी होगी, वो सब कुछ अब आप देखोगे, हमारा कोई रोल नहीं रहेगा, राइट। डिज़ाइन बिल्डिंग, डिज़ाइन एंड बिल्ड, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद अ प्राइवेट पार्टी टू डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट अ प्रोजेक्ट फॉर अ फी, कि भाई आप इस प्रोजेक्ट को बनाओ, उसके लिए हम आपको क्या करेंगे, उसके लिए हम आपको एक फीस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आपको एक फीस प्रोवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रही है ये वाली? उसके लिए हम आपको क्या कर देंगे, एक एक सेकंड देना जरा, लाइट ने गड़बड़ कर दी। उसके लिए हम एक फीस आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना, और जो ऑनरशिप है वो हमारे पास रहेगी, राइट। या अब इसमें दो चीजें होंगी, ऑनरशिप हमारे पास है, मतलब गवर्नमेंट के पास, तो ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास रहेगी, वो केवल क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे और क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब इसमें दूसरी चीज ये आती है कि उसकी ऑपरेशन के लिए, या तो वो खुद ऑपरेट करेगी अब गवर्नमेंट, या उसे कॉन्ट्रैक्ट पर उठा देगी, या उसे, अब जैसे मान के चलिए कोई एक मॉन्यूमेंट है ना, मॉन्यूमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या किया, उस मॉन्यूमेंट को ऑपरेट करने के लिए एक प्राइवेट पार्टी को अपॉइंट कर लिया कि भाई आप इसकी देखभाल रख रखाव करिए और उसके बदले हम आपको पैसा दे देंगे। तो इसका मतलब है कि उस वो मॉन्यूमेंट की ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, वो मॉन्यूमेंट सरकार का ही है, देश का ही है, बस उसके रख रखाव के लिए एक व्यक्ति, एक पार्टी या एक इंस्टीट्यूशन या एक फर्म को नियुक्त कर दिया गया है जो उसकी सही से देखभाल कर सके, और उसके बदले वो बेनिफिट्स ले रहा है, उसके बेनिफिट्स इन द सेंस फीस ले रहा है, सिंपल है ना। इसके बाद क्या आता है, बाय बिल्ड ऑपरेट, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, पहले से ही अपना कुछ प्रोजेक्ट जो है वो बेच देती है, जो पहले से ही क्या हुआ है, कंप्लीटेड है ना, या मे हैव बीन ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जा चुका है फॉर सम टाइम टू अ प्राइवेट पार्टी, कुछ समय के लिए किसी प्राइवेट पार्टी को, है ना। जैसे मान के चलिए कोई भी एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो सरकार ने कहा कि भाई अभी मैं इसको ऑपरेट नहीं कर सकती, हमारे पास फंडिंग की कमी है,
या हमारे पास उतना फंड अवेलेबल नहीं है कि हम इसको आगे रन कर सकें, लेकिन क्योंकि ये लोगों को सहूलियत प्रदान कर रहा है, लोगों की जो लाइफ है उसको इजी बना रहा है, तो हम इसको बंद भी नहीं करना चाहते। तो सरकार एक ऐसी पार्टी को ढूंढती है जो उसको ऑपरेट कर सके कुछ समय के लिए, कि भाई जब हम उस स्थिति में आएंगे हम आपसे वो वापस ले लेंगे। वैसे भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, और भारत में सरकार जब चाहे किसी से भी उनकी जो फॉर्म है वो एक्वायर कर लेती है। 1951 में हमने देखा भी था, है ना? तो ये वाली एक बात है। तो ये चार तरह के जो टाइप्स होते हैं वो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के होते हैं। मैंने प्रयास किया था अच्छे, मैं आपको अच्छे से एलोबरेट कर पाऊँ, मुझे नहीं पता भाई, मेरी तरफ से 100% रहा था, है ना? हो सकता है कि कहीं पर थोड़ा बहुत अप डाउन हो गया हो, ठीक है? तो आपको वीडियो कैसा लगा, क्या चीज़ें आपको नहीं लगी, है ना? देखो प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नया कुछ आपको दे सकूँ, है ना? ताकि आप लोगों की जो एक्सपर्टीज़ है, आप लोगों का जो कैलकुलेशन है, या आप लोगों की जो एक उम्मीद है चैनल के साथ, उसको मैं बरकरार रखूँ। और लिटरली मैं उसके लिए अपना 100% बल्कि ज़्यादा ही दे देता हूँ कभी कभी तो मैं। तो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट, प्रॉब्लम, क्वेरी किसी भी तरह की कोई लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से कनेक्ट हो सकते हो। बाकी हमारे जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो। मेल आईडी मैंने आपको दे दिया है, ये रहा आपके सामने मेल आईडी, यहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो और अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हो। अधिगम मंत्रा का मोटो केवल इतना है कि जो बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है उसको सरकारी नौकरी ज़रूर मिल जाए। आप बाकी हमारी तरफ से 100% मेहनत जा रही है, और बाकी जो आप कहोगे वो मेहनत कर ली जाएगी, आपको पता ही है ना? अभी नेक्स्ट मंथ से हम लोग क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। लगभग लगभग मई के फर्स्ट वीक से मैं सोच रहा हूँ, मई के फर्स्ट वीक में ही मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो वहाँ पर हम बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, राइट? तो ये वाली एक बात है, ठीक है? मेनली तो वो जो क्लासेस होंगी वो CUET के बच्चों के लिए होंगी, चाहे वो यूजी लेवल पर है, यूजी लेवल पर ही, है ना? तो उन बच्चों के लिए वो क्लासेस रहने वाली हैं। बट क्योंकि ये हमारा भी अपना जो TGT PGT वाले बच्चे हैं उनका भी अपना क्राइटेरिया है, और सिलेबस में भी वो सारे टॉपिक्स आते हैं, तो वो भी अटेंड उन्हें ज़रूर करें। एक पता चलेगा कि एक एनालिसिस मिलेगा आप लोगों को कि अभी हमें कितना और करने की ज़रूरत है, कितना मेहनत और करने की ज़रूरत है। देखिए मैं ये मानता हूँ कि कोई एक रिज़ल्ट या कोई एक चीज़ हमें कभी भी हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती, है ना? तो बस मेहनत करते जाओ, रुकना नहीं है, हारना नहीं है, थकना नहीं है, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। मैक्सिमम जितना दे सकते हो उतना करो, है ना? तो बस अपना ख्याल रखो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। लेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस करेंगे कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स, नए टॉपिक्स। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।